हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू द वर्ल्ड स्टडी द उड़ान। हाल में ही वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री ने भी रशिया से आने वाले जो लोग हैं ना, उनकी एंट्री को बैन कर दिया है। आखिर में ऐसा क्या हो रहा है कि रूस के लोग जो है ना, देश छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ पे जो क्राइसिस है किस हद तक जा चुकी है, हम सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। देख सकते हो ना, जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है ना, ये एक इस लेवल तक जा चुकी है कि अगर इसमें अगर एक भी न्यूक्लियर विस्फोट या एक ऐसा कदम किसी भी देश के द्वारा उठाया जाता है तो वो वर्ल्ड वॉर 3 के एक बहुत बड़ा इन्विटेशन साबित हो सकता है। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो वन बाई वन जो रशियन के लोग हैं ना, उनको बैन कर रहे हैं, उनके जो प्रॉपर एजुकेशन वीज़ाज वगैरह थे वो रद्द कर रहे हैं। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि रशिया से किसी भी प्रकार के लोगों की एंट्री उनके देश में ना हो। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। वॉट इज़ द नेम ऑफ मैस्केट फॉर द 36th नेशनल गेम्स इन अहमदाबाद। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं ना, 36th नेशनल गेम्स की शुरुआत उन्होंने इनॉग्रेशन की है, तो जो उसका मास्कट है ना वो क्या है? आपके ऑप्शन है सवाज, बिंग ड्विन ड्विन, ऑप्शन सी बिन बिन, ऑप्शन डी अतुंग। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा, इसको हम वीडियो की लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिनलैंड की जो डेली टाइम्स की जो न्यूज़ है ना, देखिए, फिनलैंड क्लोजेज इट्स बॉर्डर टू रशियन टूरिस्ट। देखो, अब जो फिनलैंड की जो है गवर्नमेंट है, इन्होंने ऑलमोस्ट जो टूरिस्ट वीज़ा होता है ना तो वो कैंसिल कर दिया है। हाँ, कुछ चीज़ों पे भी वो अभी बैन नहीं किए हैं, जो स्कैंडियन वीज़ा ट्रैवल होता है जो पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए कॉमन होता है, 26 कंट्रीज़ के लिए, वो अभी अलाउड है। लेकिन बहुत जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना वो बहुत टफ कर दी गई हैं। कोई भी यूरोपियन कंट्री नहीं चाहती कि रशिया से किसी भी प्रकार के लोग वहाँ पे आए। देखो, फिनलैंड ने अगर ये टूरिस्ट वीज़ा कैंसिल किया है ना, इसके मानक बहुत बढ़ा दिए, तो इसका सीधा असर रशिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा, वहाँ की जो प्रोडक्शन है उस पे असर आएगा, जो एनर्जी सप्लाई, वो सारी चीज़ें रशिया को बहुत हद तक परेशान करने वाली हैं। ये जो फिनलैंड है ना, ये पहला देश नहीं है जिसने टूरिस्ट वीज़ा को कैंसिल किया है अपने जो बॉर्डर रशिया के साथ शेयर होता है। इसके ऑलमोस्ट 1320 किलोमीटर एक बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर करता है फिनलैंड रशिया के साथ। तो इससे पहले पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, ऐसे कई देशों ने रशिया से आने वाले टूरिस्ट को पहले ही बैन कर रखा है। तो फिनलैंड जो कि बहुत एक रशिया का ही पार्ट था, तो इनने भी रशिया से आने वाले टूरिस्ट को उनके वीज़ा को बैन किया है। कुछ कंडीशन जैसे कि रशियन विल स्टिल बी परमिटेड टू विजिट फैमिली, वर्क एंड स्टडी, कुछ चीज़ों को अभी छूट है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं ना तो ये सारी चीज़ें भी बैन हो जाएंगी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप आएगा रशिया और फिनलैंड में। सब देख सकते हैं, फिनलैंड शेयर्स अप्रॉक्स 1300 किलोमीटर बाउंड्री, एक बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर करता है फिनलैंड रशिया के साथ। रशिया और जो फिनलैंड है, दोनों को एक दूसरे देश में एंट्री के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है। जैसा कि जब से रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन ने मोबिलाइजेशन की घोषणा की है, जैसे ही मोबिलाइजेशन की घोषणा की है, उन्होंने लगभग 3 लाख जो उनके लोग हैं ना, उनके जो 35 एज से कम के जो पुरुष हैं ना, उनको आर्मी में मोबिलाइज करने का निर्णय लिया है। तब से लेके बहुत से लगभग मिलियंस ऑफ पीपल रशिया को, देश को किसी न किसी तरीके से, जैसे वीज़ा, ट्रैवल, मेडिकल, एजुकेशन, किसी न किसी चीज़ का बहाना करके वो रशिया को छोड़ के यूरोपियन यूनियन को ट्रैवल कर रहे हैं। इवन जो उनके ऑफिसर हैं रशिया में, वो भी अपना देश छोड़ के ट्रैवल कर रहे हैं, और इसका कहीं ना कहीं सीधा असर रशिया की इकोनॉमी पे आने वाला है। फिनलैंड के लोग हैं ना और जो रशिया के लोग हैं ना, देखो, लोगों का अगर सेंटेंस में, जैसे मैंने एक दो आर्टिकल आज देखे हैं, तो उसमें वहाँ के जो लोग हैं, जो फिनलैंड के लोग हैं, उनका कहना है कि रशिया के लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज़बरदस्ती वो एंट्री करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ये सही नहीं है, फिनलैंड की सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता है आने वाले समय में। एक जनरल वे में अगर सोचें तो देखो, जो लोग हैं ना रशिया के, कहीं ना कहीं सेफ्टी चाहते हैं, इस वजह से वो अपना देश छोड़ के यूरोपियन यूनियन को ट्रैवल कर रहे हैं। तो रशिया है ना, रशिया जो स्कैंडियन एरिया होता है, उसमें स्कैंडियन वीज़ा करके एक पास होता है। अगर ये किसी इंसान के पास, किसी ह्यूमन के पास है, अगर वो रशिया का, जैसे मान लेते हैं कोई रशियन है, उसके पास इस एरिया का वीज़ा है, तो वो यूरोप में 26 स्टेट्स में
विदाउट एनी हेजिटेशन ट्रैवल कर सकता है। देखो ये भी जो स्कैंडिनेवियन वीजा होता है ना, ये चार तरह का होता है, ए बी सी डी। जो ए टाइप होता है ना, ए टाइप का वीजा होता है, ये आपको टर्मिनल एयर टर्मिनल के बाईपास में वहां के लिए ये उपलब्ध होता है। जो बी होता है ना, ये शॉर्ट स्टे के लिए होता है, शॉर्ट स्टे। और जो सी है ना, टाइप सी, ये भी शॉर्ट स्टे के लिए ही होता है, लेकिन इसमें कैटेगरी डिवाइड होती है सिंगल, डबल एंड मल्टी। तो ये टाइप सी स्कैंडिनेवियन वीजा होते हैं। और जो टाइप डी आता है ना, ये लॉन्ग स्टे के लिए होता है, ये लॉन्ग स्टे के लिए वीजा होता है। तो ये सब वीजा के जो टाइप्स हैं, अगर किसी रशियन के पास है या किसी भी अदर कंट्री के जितने हैं कि लोग हैं उनके पास है, तो वो इस यूरोपियन यूनियन में विदाउट किसी हेजिटेशन के वो ट्रैवल कर सकते हैं। अपना जो उनका पर्पस है, शॉर्ट स्टे का है, लॉन्ग स्टे का है, वो पर्पस पूरा कर सकते हैं। तो जो अभी सिनेरियो हाल में चल रहा है ना, कि जो फिनलैंड और फिनलैंड के लोग ने अपनी बाउंड्री क्लोज की है, उसमें ये जो शॉर्ट स्टे है, ये सिंगल डबल मल्टी, ये सारे टाइप के वीजा पे असर आने वाला है। और देखो जो फिनलैंड है और स्वीडन है, ये नाटो के मेंबर तो है नहीं, और रशिया कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी जो देश इनकी बाउंड्री को टच करता है वो नाटो का मेंबर हो। कहीं ना कहीं ये सारे जो राइजेस हैं ना प्रॉब्लम्स के, यूक्रेन ने नाटो की मेंबरशिप के लिए जब अप्लाई किया था ना, तो रशिया का एग्रेसिवनेस बहुत तेजी से देखने को मिला। और ऑलमोस्ट आज की डेट में 15% ऑफ लैंड रशिया ऑलरेडी यूक्रेन की अक्वायर कर चुका है। तो फिनलैंड एंड स्वीडन इट्स ऑल्सो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये रशिया के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट्स हो, क्योंकि देखो ये फिनलैंड है, बहुत तरह के कंप्लीट जो रॉ मटेरियल होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, ये रशिया को सप्लाई करते हैं। और रशिया क्या है कि एनर्जी सप्लाई करता है, तो इनके बीच जो ट्रेड है ना, ये बहुत अच्छा है। लेकिन यूक्रेन क्राइसिस को देख के फिनलैंड और स्वीडन ने संभवतः इस क्रिसमस के पहले पहले तक, हो सकता है ये नाटो के मेंबर भी हो जाएं। मोर देन अ मिलियन रशियन हैव ट्रेवल टू यूरोपियन यूनियन कंट्रीज सिंस द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इन फेब्रुवरी। देखो जो ये फेब्रुवरी से क्राइसिस शुरू हुआ है, तो जो रशिया से है, मिलियंस ऑफ पीपल इस समय यूरोप में ट्रेवल कर चुके हैं, और भी कोशिश कर रहे हैं लोग वहां जाने के लिए। वो किसी भी पर्पस से जाना चाहते हैं, लॉन्ग स्टे, शॉर्ट स्टे, एजुकेशन के पर्पस से, मेडिकल फैसिलिटीज के पर्पस से। तो सारी की सारी जो इस समय जो ट्रैफिक है, भीड़ है, वो यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर पे देखने को मिल रही है। और फिनलैंड ने अभी हाल में ही अपनी जो बाउंड्री है ना, ऑलमोस्ट कई जगह क्लोज कर दी है। देखो बाउंड्री इसकी बहुत है बड़ी, एक 1300 किलोमीटर की बाउंड्री बहुत बड़ी होती है पूरा वॉच करना। तो कहीं ना कहीं से ये लोग अगर जो आना चाहेंगे वो आ ही जाएंगे, लेकिन जो एक रिलेशन है ना एक देश के दूसरे देश के साथ, तो वो कहीं ना कहीं बुरा बहुत अफेक्ट होने जा रहा है। इन्वेजन ऑफ यूक्रेन पुश्ड फिनलैंड टू ज्वाइन द अलायंस आफ्टर डिकेड्स मेंटेनिंग अ रिलेटिव इंडिपेंडेंस, नेमली टू मेंटेन कॉर्डियल टाइज विद इट्स नेबर। देखो ये सारी प्रॉब्लम्स है, देखो सारी चीज़ें रिलेशंस पे हैं, ट्रेड्स पे हैं। तो जो इस समय रशिया के साथ बाउंड्री कंट्रीज है ना, उनके रिलेशन अब ठीक नहीं है। जो फिनलैंड है, लातविया है, नॉर्वे, स्वीडन है, यूक्रेन है, तो ये सारे जो कंट्रीज थे ना कहीं रशिया के दबाव में परेशान थे, और उन्होंने नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, यूक्रेन ने भी, और अब स्वीडन और जो फिनलैंड की देश है ना, इन्होंने भी नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। कि आर्टिकल में हम देख पा रहे हैं यूएस एम्बेसडर फिनलैंड एंड स्वीडन इन नाटो बाय क्रिसमस। देखो तो जो इस सेंटेंस का बहुत बड़ा महत्व है, अगर यूएस के, देखो यूएस का ही एक तरह से ये प्रो एजेंडा है एक नाटो मेंबरशिप, तो अगर ऐसा होता है स्वीडन और फिनलैंड अगर नाटो के मेंबर्स बनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो वॉर है इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होने वाली है। यूक्रेन क्राइसिस अभी जल्द ख़त्म होने वाला नहीं है, तो इस तरह से रशिया की एग्रेसिवनेस और देखने को मिल सकती है। न्यूक्लियर वॉर भी, देखो रशिया की तरफ से कई तरह की चेतावनी दी जा चुकी हैं कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने से पीछे नहीं हटेगा अगर उसकी सोवर्जिनिटी को खतरा होता है। तो कहीं ना कहीं यूएस का जो नाटो का एक फ्लैगशिप है कि उसको स्प्रेड करने वाली बात, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्राइसिस को न्योता है। और अगर क्रिसमस से पहले फिनलैंड और स्वीडन भी इस मेंबर को ज्वाइन करते हैं, इस कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, तो हमें और आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो एक्सपेक्ट नहीं हो सकती हैं। 1939 से 1945 तक, यानी जो वर्ल्ड वॉर का टाइम था ना,
उस समय के बाद ये एक्सट्रीम टाइम है 2022 ऑन गोइंग जो यूक्रेन के साथ शुरू हुआ है। होप जल्दी ही इस चीज़ का सॉल्यूशन निकले और फिनलैंड और स्वीडन अगर नाटो की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए बेटर होगा। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द नेम ऑफ मैस्केट फॉर द 36th नेशनल गेम्स अहमदाबाद, तो इसका राइट आंसर है सवाज। देखो इसको एशियन लायन भी कहते हैं, एशियन लायन भी कहते हैं। तो ये जो 36 नेशनल गेम्स हो रहे हैं इसका मैस्केट है बिंग ड्विन ड्विन। ये 2022 ओलंपिक का मैस्केट है। तो इस क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था इसका सही आंसर है सवाज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।